अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कबाब एग रोल बना रही हूँ। अक्सर हम घरों में कबाब वगैरह बनाते हैं तो कबाब रोटी तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन पराठे कबाब अच्छे लगते हैं, एग रोल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, इसको पहले हम आटे को गूंद लेते हैं। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, एक टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और ये दो टेबल स्पून इसमें ऑयल है सादा, जिसमें हम खाना बनाते हैं। चिकन एग रोल भी बनते हैं, सादे एग रोल भी बनते हैं, लेकिन आज मैं कबाबों के साथ बना रही हूँ। ख़ास करके बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा सा पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। देखिए, आटा गूंद गया। इसको मैं कम से कम एक घंटे के लिए रखूँगी, उतनी देर में मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने हरे धनिए की चटनी पीसनी है। इसके लिए लोग मायोनीज भी डालते हैं, लेकिन मैं इसको हरे धनिए की चटनी और केचप के साथ बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। 10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 4-5 लहसुन की कलियाँ हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है। तो इसको अब मैं पीस लेती हूँ। देखिए, ये चटनी मैंने पीस ली है और आधा टेबल स्पून इसमें नमक मिला रही हूँ। मैंने धनिए को, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर फिर इसको पीसा है। और नींबू भी इस्तेमाल करने से पहले मैं अच्छी तरह से इसको धो लेती हूँ, क्योंकि ये कई हाथों से होकर हम तक पहुंचता है। तो बिल्कुल इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, साफ धोकर इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये आधा नींबू। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब फिर आगे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, आधे घंटे से ज़्यादा ये आटा रखा है, ये सेट हो चुका है। अब इसके मैं बनाना शुरू करती हूँ पराठे। डो ले लेते हैं। देखिए, इतना बड़ा डो ले लिया है, बाकी के भी इसी तरह बना लेती हूँ। देखिए, ये डो बना लिए इसमें मैंने। अब इसको एक साइड पे रख के इसको अभी बनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये कबाब, इसकी रेसिपी नेट पे मौजूद है। इसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब ये अंडे हैं, इनको मैं फेंट लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा हरा धनिया लिया है मैंने, 3 हरी मिर्चें इनको काट लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है। मैंने 4 अंडे लिए हैं। आपको जिस हिसाब से बनाना हो आप उस हिसाब से बनाइए इसको। अब देखिए, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून से कम ही है। और अब इसको फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, अंडों को फेंट के रख दिया। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब ये पराठे बनाना शुरू करते हैं। चलिए, अब इसको बेल लेते हैं। देखिए, इसको मैंने इतना बड़ा बेल लिया है। अब इस पर देसी घी लगा लेते हैं अच्छे तरीके से हर तरफ। देखिए, देसी घी अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब इसको यहाँ से कट लगाइए इस तरह से, जो इसको मोड़ के बनाते हैं। शीरमाल भी इसी तरीके से बनाते हैं, शीरमाल बनाने का भी यही तरीका है। शीरमाल की लेयर इससे बहुत अच्छी आती है। देखिए, इसको ये इतनी लेयर में हो गया है। अब इसको इस तरह से घुमाकर ऐसे, अब इसको ऐसे रख के इस तरह से इसको घुमाते जाइए। ये इस तरीके से, ये देखिए इसमें कितनी लेयर आ गई है, इस तरह से बहुत अच्छी लेयर आ जाती है। अब इसको बेल लेती हूँ। देखिए, ये इस तरह से सारे मैंने पराठे बना लिए हैं। अब इसको बेलना शुरू करती हूँ। देखिए, अब इस पराठे को बेलते हैं इस तरीके से। ऐसे बेलना है कि थोड़ा सा इसकी जो लेयर है अच्छी आए, खाने में भी कुरकुरे लगेंगे अच्छे क्रिस्पी। देखिए, यह बेल लिया है, अब इसको तल लेते हैं। देखिए, ये हो गया। अब इसको पलट के थोड़ा पका लेते हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ला के दे कूलर, आया करो। देखिए, ये फ्राई हो रहा है अच्छी तरीके से। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, अच्छा फ्राई हो गया है। देखिए, ये तैयार हो गया। अब इसको उतार लेते हैं। अब थोड़ा ऑयल डाल के अब एग को इसके अंदर फ्राई करते हैं। इसको पका लेते हैं।
इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना है, थोड़ी हल्की फ्लेम पे पकाना है, है ना। ये देखिए ये इस साइड से हो चुका है। अब इस पर ये पराठा रख दीजिए और इसको थोड़ा दबा दीजिए। ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। ये देखिए ये पूरा इस पर कवर हो गया अच्छे तरीके से, पराठा पक ही चुका था। थोड़ा सा बस इसको सेक देते हैं और चलिए अब इसको मैं उतार लेती हूँ क्योंकि ये तैयार हो गया, बाकी के भी इसी तरह बनाती हूँ। चलिए तो फिर इसको बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे दो कबाब, ये अब इस पर चटनी। अगर चटनी पसंद नहीं है बच्चों को या किसी को भी, तो चटनी की जगह आप मायोनीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और बहुत ज़्यादा मैं चटनी नहीं डाल रही हूँ, कम ही डाल रही हूँ। ये अब ये प्याज, ज़्यादा नहीं बस इतनी। अब ये सॉस, सॉस थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है। अब इसको रोल कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। ये चलिए ये रोल हो गया, अब इसको बीच में से कट कर दिए। चलिए एग कबाब रोल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।